हेलो सो फ्रेंड, आज यहाँ पे मैं अपना किचन काउंटर टॉप दिखाने जा रही हूँ आपको कि मैं अपना किचन काउंटर टॉप कैसे क्लीन रखती हूँ और कितने कितने स्टोरेज मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे देखिए दो बास्केट्स तो फिलहाल आपको दिख रही होंगी, तीन बास्केट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि किस तरीके से मैं अपना काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन रखती हूँ। और इस तरह के जो रैक्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोरेज हो जाता है। तो ये मेरा किचन काउंटर टॉप है। बाकी ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी एक टेबल या स्टूल है जो कि आप कहीं पर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सस्ता था बट इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया होगा। बट इसका प्राइस आई थिंक 220 समथिंग था और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है मुझे ये टेबल एंड स्टूल। आप इसको कहीं के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने काउंटर टॉप की यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, डीप क्लीनिंग। तो इसके लिए मैं वही जेल यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको DIY में दिखाया था। उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है, उससे एक स्मेल बहुत अच्छी आती है उसकी और वो दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं रैक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक ली है पिंक कलर की रैक जो कि प्लास्टिक की है और इसके बगल में मैंने यूज़ करी है स्टील की रैक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए जो मेरी प्लास्टिक की रैक है ये फोल्डेबल है, आप इसको ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। ये पूरा ही फोल्ड पूरा निकल जाती है ये। तो ये है कस्तूरी, सॉरी है केसर। और यहाँ पे देखिए एक छोटी बास्केट मैंने यूज़ करी है क्योंकि जो छोटे छोटे सामान होते हैं ना वो सब गिर जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी बास्केट भी यूज़ करी है। तो ये जो बास्केट है अभी ये मेरी फिल हो चुकी है। इसमें मैं अधिकतर वो वाला सामान यूज़ करती हूँ जो कि थोड़ा सा हल्का होता है और स्टील वाले में मैं वो आइटम्स रखती हूँ जो बहुत हैवी होते हैं क्योंकि स्टील टूट नहीं सकता। बट प्लास्टिक में अगर आप थोड़ा सा कम हैवी चीज़ें रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं ज़्यादा। तो अब जब मेरी स्टील वाली बास्केट ये जो है स्टोरेज वाला ये रैक इसको भी मैं फिल कर लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वॉशेबल भी होते हैं, आप इजीली इनको वॉश कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये दोनों ही मैंने लोकल मार्केट से परचेस किए थे इसलिए मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी दो चीज़ों का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, एक स्टूल एंड एक बास्केट। तो अभी जो स्टूल है इसका भी मैंने यहाँ पर सफाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करने जा रही हूँ और अब ये देखिए फ्रेंड वो मैंने सब सेट कर दिया है। अब ये मेरा लास्ट फाइनल जो मैं आपको दिखा रही हूँ साफ सफाई करने के बाद, ये है मेरा किचन का व्यू। इस तरह से मैं अपना सामान जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर हो जाता है जो कि किचन के डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यहाँ पे मेरे स्पून्स रखे हुए हैं और ये जो रखी हुई है बास्केट ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।